बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो अभी हम जा रहे हैं जी बाल कटवाने के लिए। अरसल के उस दिन कटवा के लाए थे, आज अब्दुल आदि के, और अपने भी मैंने बाल कटवाने हैं क्योंकि कल मैंने जाना है इस्लामाबाद निकलना है। तो इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि आज चले अपनी सेटिंग वगैरह बालों की करवा लूँ। तो चलते हैं जी, अभी बाल कटवा के आते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, हाथ वगैरह कटिंग वगैरह सब कुछ करवा ली है। तो अभी सब घर वाले जो उनसे हैं, बच्चे और वाइफ और सिस्टर्स वगैरह, वो सारे चले गए हैं कज़न सिस्टर के घर। मैं अभी इधर ही हूँ, मैंने अभी जाना है कब्रिस्तान जाना है, अम्मी अब्बू की कब्र पे फातिहानी पढ़नी है, उसके बाद अपने रिलेटिव्स को मिलना है क्योंकि मेरी कल शाम को फ़्लाइट है 11:40 की। तो मैंने रात इधर ही स्टे करेंगे कज़न सिस्टर के घर, फिर सुबह मुझे ब्रदर इन लॉ लेने आ जाएंगे, फिर उनके साथ जाना है इस्लामाबाद और रात को मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। तो अभी सबसे पहले रवानगी करनी है, नए सफ़र के लिए जा रहा हूँ, नई जर्नी है मेरी, तो उसके लिए मैंने नवाफिल मानने में थे। सबसे पहले अभी नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ के जाएंगे कब्रिस्तान, ठीक है जी। कब्रिस्तान के बाद फिर सब रिश्तेदारों को मिलकर तो जाएंगे सिस्टर के घर। तो अभी सबसे पहले मैं नफल पढ़ लूँ जी। तो गाइस अभी आ गया हूँ कब्रिस्तान, अम्मी अबू की कब्र पे फातिहानी पढ़नी है, उनको भी मिलना है, उनको दुआ के लिए भी कहेंगे। तो बस अभी कब्र पर जा रहा हूँ, फातिहानी पढ़ूँगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर दोस्तों वगैरह को मिलना है, तो मिल के तो फिर निकल जाएंगे हम कज़न सिस्टर के घर। तो अभी मैं सबसे पहले फातिहा पढ़ लूँ। माशाल्लाह जी, हमारा कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सफाई का निज़ाम अच्छा हो गया है, ख़ासतौर पर जो से फुटपाथ वगैरह बने हैं ये भी बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। माशाल्लाह देखें कितनी सफाई सुथराई, ये पौधे वगैरह लगाए गए हैं माशाल्लाह जी। तो फातह मैंने पढ़ ली है, अभी मेरे जो यहाँ पे दोस्त हैं उनका डेरा भी बिल्कुल साथ ही है, तो अभी उनको देखना है, अगर वो इधर हैं तो उनको इधर ही मुलाकात कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं एक बार। तो चलते हैं जी अभी वहाँ पे डेरे पे। आया था अपने दोस्त को मिलने के लिए लेकिन वो इधर डेरे पर मौजूद नहीं थे, तो अभी उनकी कॉल आई है, तो अभी ज़रा थोड़ी देर उनके पास बैठेंगे, गपशप लगाएँगे। तो बस चलते हैं, मिलते हैं जी उनको। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाई जान? किधर गायब हो? मैं आगे चक्कर लाया डेरे ते, देख के गया ते तुसी लब्बे नहीं हो अभी। ओ छड़ दिया करो, सांबे वाली को सानू लिफ्ट नहीं इस टाइम तुसी माशाल्लाह मुबारक नवे शूजां यार मुबारक। अच्छा तो सैम साहब आ गए थे बैठे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ? ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਵਾਜ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਵਾਜ ਹੈ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਲੈਣੇ ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਵਾ। ਚਲੋ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਭਾ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਕਿ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਚੱਲਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी, ते हुण असी आसम भाई नूं अलविदा, उन्हां सानूं अलविदा कहणा जी, असी अलविदा कहणा भाई होरे, ते फिर जल्दी जने कहंदे ने सानूं फटाफट भेजो दुबई, ठीक है जी आसम भाई, यूं तो दुबई, ते दुआ शुआ करियो मेरे वास्ते, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुहाडियां मंजिलां आसान करे, आमीन जी। ते तुहानूं तरक्कियां दे सफर दे गामजान दा धक्का दे दित्ता है, ते अल्लाह पाक खैर करे, खैर होनी चाहीदी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है जी फिर, ठीक है जी, अल्लाह खैर, इंशाल्लाह फोन ते رابطہ رہےदा, ठीक है जी, गुड बाय जी। तो अभी रुस्तम भाई आए हैं मिलने के लिए, आखिरी लम्हात हैं, थोड़ी गपशप कर रहे हैं अपनी, और आधे पौने घंटे तक निकलना है यहाँ से। तो रुस्तम भाई आप कुछ दुआएं देना चाहेंगे या के कुछ टॉन्टिंग वगैरह करेंगे कि काफ़ी टाइम जा रहा हूँ मैं, बताएं कुछ? नहीं जी, बस हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी तो दुआएँ आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब आएँ तो वापस कामयाब होकर लौट के आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लौट के जी, इंशाल्लाह इस बार सब की उम्मीदों पे मैं पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह क्योंकि काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ परदेश के, तो दुआ भी है कि अल्लाह की ज़्यादा मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अभी चलते हैं जी, थोड़ी देर में बस वो दोस्त का वेट है, वो आ रहा है, फिर निकलना है जी।
अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। उनके लिए आइसक्रीम लेनी है तो भी चलते हैं यहाँ पे बेकरी पे, यहाँ से उनके लिए आइसक्रीम लेंगे जी। जी तो आइसक्रीम ले ली है, अभी अब चलते हैं घर, बच्चे भी वेट कर रहे हैं तो बस निकलते हैं जी और चलते हैं घर को। इंतज़ार कर रहे थे हैं? अर्सल क्या कर रहा था और अबरिश क्या कर रही थी? चलो चले अंदर चले, आ जाओ आ जाओ। चलिए आए हैं जी और ये मेरे भांजा साहब हैं, तो अभी बस गपशप लगा रहे हैं थोड़ी सी, तो फिर चले जाएंगे वापस घर ही, तो हम सुबह ही निकलेंगे अभी। ये अबरीश भी आई हुई है जी मिलने के लिए। अबरीश क्या खा रही हो? चॉकलेट खा रही हो? अच्छा जाओ पता करो, पानी का पता करके आओ, चाय छू के लेके आओ। कोई गाल नहीं जनाब, दुआ करियो जी इंशाल्लाह। ठीक है मामे, ओके जनाब, ओके अल्लाह ठीक है जनाब, ठीक है इंशाल्लाह ताला फिर रابطہ रहे तो बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। ओके जी घर पहुँच के मैसेज करियो, अल्लाह हाफिज़ जी। वो पहले खाना खा लें फिर आपसे मिलते हैं। तो आसिम भी आ रहे हैं, उनका वेट है, तो इंशाल्लाह ताला सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते भी थोड़े से बंद हैं। तो अच्छा है कि मैं टाइम से निकल जाऊँ, कल रात 2:40 की फ़्लाइट है मेरी, तो अभी बस बच्चों के साथ थोड़ा सा फंक्शन करेंगे, उनके साथ ज़रा इंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर मैंने चले जाना है। तो बस अभी खाना खा लें तो फिर ज़रा बच्चों के साथ ज़रा भी खेलते हैं, तो आपसे शेयर करेंगे जी। तो क्या हाल चाल है जी, अभी बस टाइम हो चुका है तकरीबन 2:25 हो चुके हैं और नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि सुबह निकलना है, 5 बजे निकलना है यहाँ से इस्लामाबाद के लिए, और कल रात मेरी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, पहले 11:40 की थी, अब रात को 2:40 की है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सुबह अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे और अपना पूरा ट्रैवल व्लॉग आपको दिखाएंगे, जो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जी दुबई शारजा, तो मेरी रात की फ़्लाइट है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगा अपनी ट्रैवलिंग की वीडियो, और बाकी अभी सुबह थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल मैं अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, तो अभी खैर वो मेरे साथ आए हैं इधर सिस्टर के घर, तो काफ़ी इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि सुबह उनको छोड़ के जाना है, मिलना है मुझे, इसीलिए अभी रात को सोच सोच के नींद नहीं आ रही, लेकिन मजबूरी है, परदेश जा रहा हूँ, उन्हीं के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात मेरे लिए भी सानियाँ पैदा करे, और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे जो आने वाला टाइम है वो अच्छा हो, और जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उस मकसद में मुझे कामयाबी मिले। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, नेक तमन्नाओं नए गाँव के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।